नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि इसी तरह की आप देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो जानते हैं आज की पहली। केंद्र की राज्यों से अपील, कहा ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें, स्वास्थ्य मंत्रालय को दे हर मामले की रिपोर्ट। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस आफत बनकर आया है। कई राज्यों में इसके मामले सामने आए हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज श्रेणी में डाला जाए और ये कोरोना मरीजों के मरने का कारण बन रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि हाल ही के दिनों में कवक संक्रमण के रूप में एक नई चुनौती सामने आई है जिसका नाम म्यूकोरमाइकोसिस है और कई राज्यों में कोरोना के मरीज इसके प्रभाव में हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि इस बीमारी के लक्षण वाले और कन्फर्म मामलों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी जाए, तो वहीं इसके इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। 2 मिनट में टेस्ट और 15 मिनट में नतीजे, घर पर बैठे खुद करें किट से कोरोना की जाँच। जी हाँ, आप अपने घर पर रहकर ही कोरोना की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोविशेल्फ भारत की पहली ऐसी खुद इस्तेमाल की जाने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जिसके जरिए 2 मिनट में टेस्ट हो पाएगा और 15 मिनट में इसके नतीजे आ जाएंगे। ये दावा किट बनाने वाली पुणे की कंपनी ने किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस टेस्ट किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने मंजूरी दी है। समाचार एजेंसी ANI से किट बनाने वाली कंपनी फर्म माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के डायरेक्टर सुजीत जैन ने कहा कि इस किट से 2 मिनट जांच करने में लगेगा और 15 मिनट में इसके नतीजे आ जाएंगे। ये किट अगले हफ्ते के आखिर में देश भर के 7 साल दवा दुकानों को ऑनलाइन दवा साझेदारों को यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि हमारा लक्ष्य देश के 90% तक पहुँचना है। उन्होंने कहा कि इस किट से खुद टेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे आपको कोरोना पॉजिटिव अगर पाए जाते हैं तो ICMR के मुताबिक आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी वयस्क इस किट को मैन्युअली पढ़कर इस्तेमाल कर सकता है। PMDM के साथ बैठक में बोले PM मोदी, कहा गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, व्यवस्थाओं की निगरानी करें। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और इन राज्यों के 54 कलेक्टरों से बातचीत की। बैठक में PM मोदी ने कहा कि महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसलों की होती है। इसी भावना से आपको जन जन तक पहुंचकर जैसे काम आप कर रहे हैं उसे और अधिक ताकत और अधिक पैमाने पर करते ही रहना है। हमें गांव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। PM ने जिलाधिकारियों से कहा कि व्यवस्थाओं की निगरानी करें। आपको बता दें कि PM मोदी ने कहा कि एक विषय वैक्सीन स्टोरेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना, इसीलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना जरूरी है। PM मोदी के साथ बैठक के बाद CM ममता बनर्जी बोली, सुपर फ्लॉप मीटिंग, किसी CM को बोलने नहीं दिया गया, किया गया अपमानित। जी हां, देश भर में कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए PM नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार शामिल हुई। कोरोना की दूसरी लहर में PM मोदी की ओर से बुलाई गई किसी भी बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुई। हालांकि बैठक में राज्य के DM शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि PM मोदी की बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उन राज्यों के 54 DM शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि संघीय व्यवस्था में CM को बुलाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बोलने दिया गया, किसी भी CM को बोलने नहीं दिया गया, कुछ DM को बोलने दिया गया जो कि उनके पसंद के थे। यह कैजुअल सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। CM को अपमानित किया गया, ऐसा लग रहा था कि CM केवल कठपुतली ही है। कभी भी मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में नहीं पूछा और बोल रहे हैं कि कोरोना पर कंट्रोल हो गया है। चक्रवात ताऊते के बाद बंगाल की खाड़ी में नया तूफान उठने की चेतावनी, इस दिन पहुंचने का अनुमान। जी हां, देश ताऊते तूफान से अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया कि 22 मई के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
इसके 24 मई तक तेज होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना जताई जा रही है। यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 26 मई 2021 की सुबह लगभग ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों के पास पहुंच जाएगा। देश में एक और नया चक्रवात दस्तक देने को तैयार है। चक्रवात यास बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और यह पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात यास 25 मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनकर तैयार होगा। इसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा का रुख कर बंगाल और फिर 26 मई को ओडिशा के तट पर पहुंच जाएगा। पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में 25 मई से अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। बाद में गंगीय पश्चिम बंगाल के जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया। सीएम योगी का आदेश, पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना से जान गई, उनके परिवारों को मिले मुआवजा और सरकारी नौकरी। जी हां, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से सैकड़ों टीचर्स की जान गई, जिसके मामले में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को गुरुवार को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान जिन टीचर्स की कोरोना संक्रमण से जान गई है, उनके परिवार वालों को राज्य निर्वाचन आयोग से बात कर न सिर्फ मुआवजा दिलाया जाए बल्कि परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। सीएम ने कहा कि चुनाव ड्यूटी के दौरान लोगों की जान जाने को लेकर उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की संवेदना ऐसे हर परिवार के साथ है। शिक्षक संगठनों की माने तो हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले 1621 शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अन्य विभागीय कर्मियों की कोरोना से जान गई है। लगातार दूसरी बार पिनराई विजयन ने ली केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई। जी हां, पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित सादे समारोह में 76 वर्षीय विजयन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विजयन के अलावा राज्यपाल ने 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विजयन को ट्वीट करके बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने पर बधाई। राजस्थान के गांव में अफवाह फैलने के बाद 100 रुपए किलो बिका नमक, अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल करने की सलाह। जी हां, राजस्थान के कुछ गांव में नमक के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जहां पर 18 से 20 रुपए में मिलने वाला 1 किलो का नमक अब 100 रुपए किलो मिल रहा है। ऐसे में अफवाह है कि नमक के पानी को ORS की तरह पीने से कोरोना संक्रमण नहीं फैलता और कोरोना से जान गंवाने पर अंतिम संस्कार नमक डालकर किया जाए तो कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैलेगा। प्रदेश में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अफवाहें तो नहीं है लेकिन लोगों के सामने रोजगार का भी संकट है। ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों का दौर जारी है। अफवाह ऐसी है कि कोरोना वायरस संक्रमण से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार अगर नमक के साथ किया जाए तो कोरोना नहीं फैलता, तो वहीं ORS की तरह बिना चीनी के नमक का घोल पीने से कोरोना नहीं फैलता, जिसके कारण मोहनपुरा, मंगाल और आसपास के ढांडियों सहित ठेठ ग्रामीण क्षेत्रों में नमक 100-100 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट से KP शर्मा ओली को बड़ा झटका, शपथ ग्रहण के 7 दिनों में हुई 7 मंत्रियों की नियुक्ति रद्द। जी हां, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ओली सरकार के 7 मंत्रियों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देते हुए उनके मंत्री पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। 7 दिन पहले यानी 13 मई को प्रधानमंत्री पद पर दोबारा नियुक्त हुए प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने अपने कैबिनेट में 7 ऐसे मंत्रियों को भी स्थान दिया था जो कि फिलहाल सांसद नहीं हैं। ये 7ों मंत्री पहले प्रचंड के नेतृत्व वाले माओवादी में थे लेकिन पार्टी विभाजन के बाद इन सभी ने ओली का साथ दिया था। नेपाल के दलबदल कानून के तहत इन सब की संसद सदस्यता उसी समय खारिज हो गई थी जिसके बाद ओली ने अपनी पिछली सरकार में इनको दोबारा शपथ कराया था। इस बार जब ओली संसद में विश्वास मत हारने के बाद फिर से अल्पमत की सरकार बनाई तो इनको दोबारा से मंत्री बनाया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया में असंवैधानिक माना। नेपाल के संविधान के मुताबिक कोई भी गैर सांसद एक ही बार 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है और 6 महीने के भीतर उसको संसद सदस्यता लेनी होती है, लेकिन वह 6 महीने के भीतर सांसद नहीं बन पाता है तो संसद के उस पूरे कार्यकाल के दौरान वह दोबारा मंत्री नहीं बन सकता। वैक्सीन की तीसरी खुराक से नहीं बच पाएगा कोई भी वेरिएंट, एस्ट्राजेनेका ने तैयार कर ली है बूस्टर डोज।
जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देशों में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वायरस के नए वेरिएंट सामने आने के बाद लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या कोरोना की वैक्सीन नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी या फिर नहीं। ऐसे में अच्छी खबर यह है कि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज तैयार कर ली है। यह डोज कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी पैदा करने में कारगर पाई गई है। ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में एक शोध के हवाले से इसकी जानकारी में बताया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीन निर्माता कंपनी ने चेतावनी दे चुकी है कि कोरोना वेरिएंट से बचने के लिए हर साल बूस्टर डोज लगवाना पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर हुई रिसर्च में पाया गया कि वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट पर कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश के 8 राज्यों में 69% मरीज, रिकवरी रेट में बढ़ोतरी, 50% लोग मास्क नहीं पहनते। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय भी देश में कोरोना की स्थिति को लेकर लोगों को लगातार जानकारियां दे रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश के कुल सक्रिय मामलों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। 21 ऐसे राज्य हैं जहां पर रोजाना रिकवरी मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण दर में 10 सप्ताह तक वृद्धि जारी रहने के बाद पिछले 2 सप्ताह से संक्रमण दर में कमी आनी शुरू हो गई है। अग्रवाल ने कहा कि 7 राज्यों में संक्रमण दर 25% से अधिक, जबकि 22 राज्यों में संक्रमण दर 15% से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक अध्ययन के अनुसार 50% लोग अभी भी मास्क नहीं पहनते और 64% वैसे हैं जो सिर्फ अपना मुंह ढकते हैं लेकिन नाक नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप अच्छी तरीके से मास्क पहनते हैं। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक से बोले गुस्साए ग्रामीण, कहा वोट मांगने आओगे तब लठ तैयार रहेगा। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है और जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में दौरा करने लगे हैं। हालांकि कई जगहों पर उन्हें गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के झबरेड़ा में सामने आया है। यहां से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल जैसे ही पीएचसी पहुंचे, उन्हें ग्रामीणों ने घेर लिया और खरी खोटी सुनाने लगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल झाबरेड़ा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीण इकट्ठा हो गए और गांव की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए विधायक को आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव में नहीं घुसने देने तक की बात कहने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल से एक ग्रामीण कहता है कि विधायक जी, आपको सिर्फ पद का सम्मान है जो आज आपको छोड़ रहे हैं। अगर आप इलेक्शन टाइम वोट मांगने आएंगे तो गैलरी में आपके लिए लठ तैयार रहेगा। ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक को सीधे धमकी देते हुए गाँव से चले जाने तक को कह दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल कोरोना महामारी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में घूम रहे थे और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए सेशन में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल, 3 महीने की फीस को लेकर भी ये निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन सरकार के निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के चलते एक ओर जहां कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई, तो वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अब बंद पड़े स्कूलों में धीरे धीरे शिक्षण कार्य शुरू होने की योजना बनाई जाने लगी है। इसके लिए गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए खास दिशा निर्देश जारी हुए हैं। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी भी प्रकार की अधिक फीस की वसूली नहीं की जाएगी। दरअसल लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच ठप हुए लोगों के कारोबार के बीच लोगों को हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से जारी इस आदेश में राज्य के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों पर यह लागू होने वाला है। आपको बता दें कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। खेल, लाइब्रेरी और वार्षिक फंक्शन के साथ ही परीक्षा शुल्क की वसूली पर भी रोक लगाई गई है।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, शेष उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, तेलंगाना, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और लक्षद्वीप और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हल्की बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है।